तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लिंक, डेटा लिंक, कि किसी डेटा को दूसरे डेटा से हम कैसे लिंक करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक छोटा सा डेटा टेबल है, मुझे इस डेटा टेबल को किसी अनोखा डेटा टेबल से लिंक करना है, उसके लिए दस हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और इन पर प्रेस करेंगे, तो देखिए हाँ बिल्कुल, मतलब मैं जैन के इसको नीचे आगे पीछे भी ड्रैग कर देते हैं तो पूरा डिटेल आ जाएगी। अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मैं एस पी सेवन कर दिया, एंटर पेज कर दिया, यहाँ पे देखिए एस पी सेवन कर दिया, सेम चीज अनदर चीज अनदर फाइल से नहीं कर सकते, मुझे यहाँ करना है जस्ट इक्वल पेज किया, सीट वन को सिलेक्ट किया एंड एंटर कर दिया, ये देखिए आपके सामने गुजर जाए। आ गया सर, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है, हमें ड्रैग करना पड़ जाता है, तो हम उसको कॉपी करके भी पेस्ट एज ए लिंक कर सकते हैं। हमने तो कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, सेम चीज अनदर फाइल हर जगह पे कर सकते हैं। इसका एक और भी है, पूरा नहीं चाहिए, मुझे कुछ पार्ट चाहिए, मुझे फरवरी महीने चाहिए, मुझे मार्च चाहिए, सिलेक्ट कर लिया, मल्टीपल सिलेक्शन का जो रूल है उसको फॉलो कीजिएगा, कॉपी, हमें कहीं जहाँ किसी और चीज पे चाहिए, किसी और चीज पे या किसी और फाइल को ले जाइए, उस फाइल के लोकेशन में गए, पेस्ट इस पे कर, और यहाँ आपके सामने दिख रहा है पेस्ट एज ए लिंक, इस पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने लिंक हो गया। अगर मैं यहाँ भी चेंज करता हूँ, एट सेवन जीरो कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एट सेवन जीरो। अब इसका यूज क्या है, पेज एज ए लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा लिंक का यूज क्या है। तो चलिए जहाँ पे कॉपी किया सर, जहाँ पे कॉपी किया है वहाँ पे चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वन में होता है। ओके, जैसे इंटरनेट होता है ना आपका, कि देख सकते, यूज कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, चेंज कौन करेगा, जो उसका एडिटर होगा। अब ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप यहाँ चेंज है तो वहां भी चेंज है, तो फिर उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें VBA का यूजर फॉर्म। समझ गए, VBA का यूजर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा आपके सामने डेटा मैं रखा हुआ, तो ये मान लीजिए मेरा ये मार्च का डेटा है और मुझे इसको कई पर्सन को मेल करना होता है, ठीक है, और जैसे कि हमें कई पर्सन को मेल करना होता है, मान लीजिए, तो मुझे इसमें से पूरा नहीं करना होता, किसी को मेल करना होता है, कुछ कॉलम किसी को, कुछ कॉलम किसी को, कुछ कॉलम होता है ना सर, डेटा अगर बड़ा डेटा है तो हर किसी को पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, तो हम उसके हिसाब से डेटा बनाना पड़ता है ना सर, तो कैसे बनाना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट एज ए लिंक हम कर देते हैं, या नॉर्मल लिंक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका अच्छा तरीका जो है कुछ और है, जो कि हम आगे क्लास में सुनाऊंगा मैं आपको। अभी जैसे मुझे जो नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें कस्टमर और कस्टमर नहीं देना है, इंडस्ट्री देना है, और यहाँ पे हमें एस्टिमेट और एक्चुअल नहीं देना है, एमआरपी नहीं देना है, इतना ही डेटा देना है, हो गया। किसी और चीज पे मुझे फिर वापस इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट एज ए लिंक करेंगे, और मुझे इसको जो है कस्टमर क्वांटिटी, एमआरपी और क्वांटिटी भेजना है, बाकी चीजें इसको भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अभी क्या हो गया, लिंक हो गया। अब कल के रेट में आपका मान लीजिए ये तो आज की सेल थी, कल मेरी सेल होगा, वो डेटा लूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जैसे मैं अपना डेटा यहाँ पेस्ट करूंगा रिलीज करके, जैसे मैं डेटा रिलीज कर लूंगा, फिर नया डेटा पेस्ट करूंगा, ये सारा अपडेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए डेटा कम या ज्यादा होता है तो आप नीचे ऊपर इसको ड्रैग कर लीजिएगा, इस तरह से,
समझे? क्लियर है पैसेंजर लिंक? बाकी लिस्ट के बारे में आगे भी डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि पेस एज ए पिक्चर, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें ये डेटा दिखाना होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस डेटा को कोई एडिट ना कर सके, मतलब कुछ कर ही ना सके, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन वगैरह अप्लाई ना करके हम लोग बस इसमें उसको पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया हमने? हमने कॉपी किया, पेज के नीचे जो आइकन दिख रहा है इससे गया और पेज एज ए पिक्चर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसको हम बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहें, इसका डैशबोर्ड पे भी इस्तेमाल करते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है कि एक बड़े से डेटा को एक छोटे से एरिया में डालना होता है। अब छोटे से एरिया में अगर हम मान लीजिए कॉलम को छोटा करेंगे तो हो सकता है इससे नीचे बड़ा डेटा हो उससे इफेक्ट हो जाए, कोई कॉलम तो पूरा कॉलम छोटा ना होगा। सर इसको पेज से पिक्चर कर लेते हैं, अपने हिसाब से जितना छोटा या जितना बड़ा करना चाहे हम बड़ा कर लेते हैं। ये हम लोग पावर पॉइंट में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जी जी, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको लिंक नहीं होता है। अगर मैंने यहां पे कुछ चेंज किया तो इससे चेंज नहीं होगा, वापस कॉपी पेस्ट करना होगा। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, और इस पे मैं पेज एज ए लिंक कर देता हूं। ठीक है, पेज एज ए लिंक करने से क्या हुआ, अब इससे लिंक हो गया। अब यहां कलर भी चेंज करेंगे तो हमारा चेंज होगा, या हम कोई नंबर चेंज करेंगे तो चेंज होगा। सेम शीट नहीं, अनदर शीट, अनदर फाइल सब पे कर सकते हैं। अगर कल के डेटा इंक्रीज होता है, जैसे यहां देखिए डेटा इंक्रीज हो गया, तो फिर वापस कॉपी पेस्ट करना भी की जरूरत नहीं। देखिए एक्सेल में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी फॉर्मूला से लिंक होता है। जैसे ये देखिए ये लिंक है, तो 10 तक था, 12 हो गया, तो आप 0 क्लिक करके 12 क्लिक कर दीजिए, यहां देखिए 12 आ गया, बढ़ गया। सर लगाना चाहते हो दिखा सकते हो, सेम चीज अनदर शीट अनदर फाइल सब पेज का यूज कर सकते हो, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन ये आता है कि जैसे कि आपने बोला कि वर्ड में या पावर पॉइंट भी इसका यूज करते हैं, क्या आप पावर पॉइंट वर्ड को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं? तो चलिए हम आपको इस सारा एग्जांपल बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको पावर पॉइंट खोलना पड़ेगा और यहाँ पे पीपीटी, यहाँ पे आउटलुक भी खोल लेता हूँ। जैसे एमएस वर्ड पे मुझे बार बार एक लेटर में कॉपी पेस्ट करना होता है, बार बार कॉपी पेस्ट करना होता है, या एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट पे करना होता है, तो यहाँ पे या मुझे एक मेल करना होता है बराबर इसको, तो तीनों सिचुएशन में आपको मैं समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यहां पेस्ट में एक्सेल की पेज की बात नहीं कर रहा, आप एक्सेल पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मली से कॉपी करते हैं वो कॉपी कर लेंगे, और यहां पेज स्पेसर में आपके सामने दिखेगा पेज एज ए लिंक। दिखा सर एंड ओके सर। अच्छा हैंग हो गया, आ गया? आ गया। अब मैं वर्ड पे करता हूं सेम पेज स्पेशन पेज इज ए लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हो गया? नहीं आ गया, आ गया सर, ओके आ गया। अब मैं एक्सेल में किसी तरह की चेंजिंग करता हूं, मान लीजिए मैं 870 को 670 करके एंटर करता हूं, आप वर्ड में देखिए गलती हो गया पावर पॉइंट में,
व्हाट इज विल बी हो गया ना. अगर कभी नहीं हुआ, इन केस कभी भी प्रॉब्लम होता है कि लिंक नहीं होता है, इसको राइट क्लिक कीजिए और आपको दिखेगा, आप देख लेंगे. ठीक है, तो अगर इसका यूज कब करेंगे, जब आपको एक ही फाइल से पावर पॉइंट या वर्ड का लेटर बनाना होता है. समझे कि नहीं सर? जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट में एक, हाँ जैसे मान लीजिए कि मुझे एक फाइल से बराबर इस तरह का एक लेटर क्रिएट करना होता है. तो इसमें मैटर बिल्कुल सेम होता है, एक दो चीज चेंज होती है और डेटा चेंज होती है. एक दो चीज जैसे डेट चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, उसको हम चेंज कर सकते हैं. डेट चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, चेंज कर सकते हैं. बट इस मैटर को हर बार कॉपी पेस्ट करना होता है. इसको हम पेस्ट से लिंक कर सकते हैं, एक तो सीट है करें. ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम होती है कि मैं इसका यूज मैं अपने ऑफिस में करता था कि हमारे डेटा बेस था जो कि हमारे सर्वर से लिंक होकर आता था, और जब हमारा क्लोजिंग टाइम होता था, जो 25 तारीख के बाद मंथ एंड चलता था, तो हमारे मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर था वहां पे, तो जो हमारे सेल्स ऑफिसर और सेल्स के मैनेजर थे, मुझे हर एक घंटे में फोन करते थे, बोलते सेल्स का अपडेट बताओ, क्लाइंट वाइज, कस्टमर वाइज, या फिर सेल्स की बात. मतलब उनका कहना यह था कि हमारे बहुत सारे टीम जो है ऑर्डर लेने के लिए फोन कर रहे हैं, तो हमें उन क्लाइंट को परेशान फोन करके नहीं करना है जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, ऑर्डर दे दिया है. मान लीजिए कि मैंने फोन किया कि भाई ऑर्डर दे दिया आपने, और जो है प्रतीक एक घंटे में हो जाता, तो मुझे देखना है कि एक घंटे में उन्होंने ऑर्डर दे दिया या नहीं दे दिया. तो हम उनको कॉल कर पूछे भैया आपने ऑर्डर दे दिया, उससे पहले हम अपने डेटाबेस चेक कर लें कि ऑर्डर दिया या दिया, तब उसको हम थैंक्स कॉल करेंगे, थैंक यू सर आपने ऑर्डर दे दिया क्या. तो अगर किसी से पूछोगे यार भाई ऑर्डर दे दिया, चिढ़ जाएगा यार, दे तो दिया, कितना बार फोन करोगे, ऐसा बोलेगा ना सर. लेकिन किसी को बोलोगे भाई थैंक्स आपने ऑर्डर दे दिया, तो खुश हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, क्या सर जी, आप तो जरा जानते होगी के बारे में. कंफर्म हो गया, सही बात है सर. तो उस केस में हम लोग, हमें प्रॉब्लम क्या होती थी, मुझे हर आधे घंटे में इनको एक मेल करना होता. मेल में ऐसा कुछ होता नहीं था, बिल्कुल सेम होता था, सिर्फ उसका जो हम कॉपी पेस्ट करते थे मेल वरी पे समरी, तो समरी हर एक घंटे में अपडेट होता. तो मैंने क्या किया, आउटलुक के जरिए हम इसका मेलिंग का काम करते थे, तो हम एक नया ईमेल क्या बोलते हैं मेल का जनरेट कर किए थे पहले शुरुआती में, फिर हम अपने डेटा को कॉपी किए और अपने मेल का जो होता है टू में, जैसे कि मैं डाल दिया outlook.com या bcc डाल दिए, सब्जेक्ट डाल दिए सेल्स अपडेट, तो पूरा मेल हमने फाइनल कर दिया. और यहाँ पे मैसेज भी देता हूँ, डियर सर बिलो आर अपडेट, और यहां पे हम थैंक्स रिगार्ड जो भी होता है सुजीत कुमार या कुछ जो भी होता है हम कर देंगे. अब इसके बाद यहां हम कॉपी पेस्ट ना करके सेम पेस्ट स्पेशल और इसमें पेस्ट एज लिंक माइनस एक्सेल सेलेक्ट करके ओके कर दें. आ गया, अब इसको हम सेंड नहीं कर देंगे. सेंड अगर मैंने कर दिया तो मुझे हर बार यही करना पड़ा. ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ इसको लिंक कर दिया है तो मैंने गांधी जी को मेल किया तो गांधी जी के पीसी भी अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. मेल चला जाएगा तो उसको आप सेंड नहीं कर सकते हम. ठीक है, तो हम क्या करते थे कि इस फाइल इसको हम सेव एज कर लेते थे. किसमें? टेम्पलेट में. हम यहाँ आउटलुक टेम्पलेट और लोकेशन मान लीजिए डेस्कटॉप लेके सेल्स अपडेट से इसको हम सेव कर, उसके बाद मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूँ तो कोई बात नहीं. अब मुझे नेक्स्ट टाइम अगर भेजना होगा, जैसे नेक्स्ट टाइम मुझे अगर भेजना होगा तो मेरा डेटा अपडेट होगा. जैसे मैंने मान लीजिए इसका कलर जो है ग्रीन कर दिया, ग्रीन कर दिया. अब मैं अपना जो ये दिख रहा होगा आपको
यहाँ पे सेल सब्जेक्ट का टेम्पलेट, तो डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, यस पे क्लिक कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सेंड पे क्लिक कर देना, मेल आपका सेंड हो गया। फिर अगले दिन या अगले घंटे आपने अपना डेटा चेंज हुआ, मान लीजिए इस बार मैं इसको रेड कर देता हूं, ब्लू के साथ, ठीक है। फिर मैं इसको अपडेट किया, यस टेम्पलेट हो गया ना, और जस्ट सेंड। अब यहाँ पे देखा शायद मेल आया है, इसलिए इस बार सेल्स अपडेट आया सर चेंज हो गए। हेलो, इसका यूज करते हैं, तो हमारा टाइम कितना बचा दिया सर, बहुत। लेकिन याद रखिएगा, इसका यूज हम तभी कर पाते हैं जब आपके पास फाइल सेम हो। अगर फाइल डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर ये फीचर वर्क नहीं करता, हर बार जो कॉपी की बेस्ट करके करेंगे तो अच्छा है कि एक बार कर ले क्या। राइट, अब बात करते हैं अगला टॉपिक, वो है पिक्चर लुकअप का। पर पिक्चर लुकअप बोले सर, सर इसमें अगर मैंने अभी ये पूरा का पूरा पेस्ट करके मेल किया, एक बंदे को फर्स्ट टू कॉलम चाहिए, दूसरे को लास्ट टू कॉलम चाहिए, उतने टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे आपको, तो उतने टेम्पलेट बना के चलेगा, मतलब अपडेट एक ही जगह हो करना होगा। हाँ हाँ, ओके ओके डन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक यूट्यूब लिंक भेज रहा हूँ, ओके, उसको आप लोग देख लीजिए। यह है पिक्चर लुकअप का टॉपिक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इसको एक बार देख लें, उसके बाद हम इसको कवर करें। सर वो एक और आपने लिंक बोला था देखने के लिए, वो नहीं पाया था सर, वो कौन सा लिंक वो की बात कर रहे हैं, दो क्लास पहले सीखने के लिए ना, आपने भी सीखा था कुछ पेस्ट, नहीं नहीं टेम्पलेट की बात की थी, मैं टेम्पलेट की बात की थी इसमें, नहीं नहीं एक बहुत बड़ा सा आपने मेल दिखाया था, वो आउटलुक उसका यूट्यूब का लिंक दिया था आपने, वो तो 5 घंटे की वीडियो था, वो तो मैंने आपको दिया था पहले, वो नहीं क्या आएगा मैं पूछ लूंगा सर, ठीक है बता दीजिए। सबको लिंक मिल गया, व्हाट्सएप कर दिया मैंने सबको, मिल गया सर, मिल गया सर, सुशील शर्मा जी जो शायद उनको नहीं मिला, ठीक है पूछ रहा था अगर जैसे सेम चीज पीवट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है क्या। जी हाँ जी, आप